नमस्कार बच्चों, एडुबिला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10 के सामाजिक विज्ञान की असेसमेंट 3। ये आकलन मूल्यांकन कार्य पत्रक है, तीसरा है। इससे पहले भी दो कार्य पत्रक हो चुके हैं। तो बच्चों, आप लोगों ने जो भी पढ़ाई करी है उन्हीं में से कुछ सवाल पूछे गए हैं। यहाँ 10 सवाल पूछे गए हैं और दसों सवाल एक एक नंबर के हैं, मतलब कि सब पे आपको एक मार्क्स एक नंबर मिलने वाला है। तो यहाँ आप सवाल देख लीजिए, इसमें से जो 6 सवाल हैं वह ऑब्जेक्टिव टाइप हैं और उनके बहुत से आंसर बहुविकल्पी जिसको आप लोग बोलते हैं, और उसके बाद 7 से लेकर 10 तक जो है यह कारण और कथन वाले हैं। तो चलिए एक एक करके हम इन प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। सबसे पहले है कि निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय संसाधन है। तो नवीकरणीय संसाधन को आप जानते हैं कि जिस संसाधन को दोबारा हम प्राप्त कर सकते हैं या दोबारा बना सकते हैं, या कुछ दिनों के बाद जो संसाधन हमें दोबारा प्राप्त हो जाता है उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले कोयला, सोना, पवन और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पवन नवीकरणीय संसाधन है क्योंकि यह दोबारा हमको मिल बन जाता है, लेकिन कोयला, सोना ये नवीकरणीय संसाधन ही, इनके बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं, जिससे कि यह संभव नहीं है। उसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधनों के क्षरण का कारण नहीं है। संसाधन का क्षरण मतलब संसाधनों के विनाश का कारण नहीं है, संसाधनों के खपत का कारण नहीं है। तो अतार्किक खपत, अतार्किक खपत का मतलब होता है बिना सोचे समझे इसका उपयोग करना, अत्यधिक उपयोग और बहुत ज्यादा मात्रा में उपयोग करना, ये दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो संसाधनों के क्षरण का कारण नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर डी होना चाहिए, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि संसाधन के क्षरण का कारण नहीं है। ये भी क्षरण का कारण है, ये भी क्षरण का कारण है, और ये दोनों क्षरण के कारण है, इसलिए इसका आंसर हम लोग डी लगाएंगे। नेक्स्ट है प्रश्न 3 की, निम्नलिखित में से बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स का सबसे बड़ा भाषाई समूह कौन सा था। तो इसका ऑप्शन है डच, जर्मन, फ्रेंच और रूसी। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि ब्रुसेल्स में फ्रेंच भाषी लोग ज़्यादा रहते थे, तो इसका ऑप्शन सी आंसर होगा, फ्रेंच। और उसके बाद प्रश्न 4 है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है। तो वन, उसके बाद पवन, विद्यालय और वन्यजीव। वन प्राकृतिक संसाधन है, पवन भी प्राकृतिक संसाधन है, वन्य जीव भी प्राकृतिक संसाधन है, लेकिन प्रश्न ये है कि कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है। तो नहीं है तो विद्यालय मानव निर्मित संसाधन है, हम ऑप्शन सी पर चिन्ह लगाएंगे। उसके बाद प्रश्न 5 है कि निम्नलिखित में से संसाधनों के विकास की कौन सी एक चुनौती नहीं है। तो संसाधनों के विकास की चुनौती, तो कुछ ही हाथों में संचय यह इसकी चुनौती है, संसाधनों का क्षरण यह भी चुनौती है, संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग यह भी चुनौती है, संसाधन नियोजन यह संसाधन के विकास की चुनौती नहीं है, बल्कि यह इसका आंसर होगा संसाधन नियोजन। अब नेक्स्ट है प्रश्न 6 कि इनमें से किस देश ने सिंहली को अपनी एकमात्र राजभाषा घोषित किया है। ऑप्शन ए है भारत, बी है बांग्लादेश, सी बेल्जियम और डी श्रीलंका। तो हम लोगों ने देखा था कि श्रीलंका में सिंहली भाषाई समूह के लोग ज़्यादा थे, तो उसने अपने देश में सिंहली भाषा को एकमात्र राजभाषा घोषित किया था, तो इसका आंसर हम लोग डी लगाएंगे। अब यहाँ प्रश्न संख्या 7 से 10 में दो वक्तव्य हैं जिन्हें कथन ए और कारण आर से निरूपित किया गया है। इन वक्तव्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और नीचे दिए गए सही विकल्पों के सामने दिए गए गोले को पेन या पेंसिल की सहायता से काला कीजिए। आपको आंसर कैसे ढूंढना है, यह दिया हुआ है। कथन ए और कारण दोनों सही हैं, कारण आर कथन ए की सही व्याख्या करता है, कुछ आंसर इस टाइप का हो सकता है। बी है कि कथन ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर कथन ए की सही व्याख्या नहीं करता है, कुछ ऐसा भी हो सकता है। सी में ऑप्शन में कथन ए सही है जबकि कारण आर गलत है, और डी में होगा कि कथन ए गलत है जबकि कारण आर सही है। तो इसका अब 7वां प्रश्न है, कथन है इसका, कथन ए कि तनाव को समाप्त करने के लिए बेल्जियम में सामुदायिक सरकारों की स्थापना की गई, और कारण आर है कि सामुदायिक सरकारों के पास सांस्कृतिक, शैक्षिक एवं भाषा संबंधी शक्तियां हैं। तो यहाँ सबसे पहली बात तो ये कि ये दोनों सही है, और सामुदायिक सरकार के पास सांस्कृतिक, शैक्षिक एवं भाषा संबंधी शक्तियां हैं, और इन सबको मिलाकर ही समुदाय का निर्माण होता है, बढ़िया समुदाय का निर्माण होता है, तो यह इसकी व्याख्या भी कर रहा है। इसका मतलब कि ऑप्शन ए सही होगा,
कथन ए और आर दोनों सही है तथा आर कथन ए की व्याख्या कर रहा है। उसके बाद प्रश्न आठ है कि सत्ता में साझेदारी राजनीतिक व्यवस्था को अस्थायित्व तो प्रदान करती है। विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के मध्य सत्ता की साझेदारी होती है। तो ये दोनों कथन सही है और ये कारण आर कथन ए की सही व्याख्या भी कर रहा है, इसलिए इसका उत्तर भी ए होगा। नेक्स्ट है, सतत पोषणीय विकास के लिए संसाधन नियोजन की आवश्यकता है। तो सतत पोषणीय विकास का अर्थ है पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना विकास होना चाहिए और वर्तमान में विकास से भविष्य की पीढ़ियों की जरूरतों से समझौता नहीं करना चाहिए। तो इसमें कथन ए कि संसाधन सतत नियोजन विकास के लिए संसाधन नियोजन की आवश्यकता है और सतत पोषणीय विकास का पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना विकास होना चाहिए, तो ये दोनों सही है और कारण आर कथन ए की सही व्याख्या भी कर रहा है, इसलिए इसका उत्तर ए सही होगा। और यहाँ है कि सत्ता में साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है। उसके बाद कारण आर है कि लोकतंत्र में विभिन्न जातीय समूह के मध्य सत्ता की साझेदारी होती है। तो ये दोनों सही है लेकिन कारण आर कथन ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही होगा। तो बच्चों ये थी आपकी आज की असेसमेंट की वर्कशीट नंबर 3 और इसी के साथ ये वीडियो कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।